हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल कुकिंग एकेडमी। मैं शेफ़ काजल चौबे आज आपको सिखाऊंगी केक में यूज़ होने वाली चॉकलेट क्रीम आप कैसे घर में परफेक्टली बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रिच कंपनी का स्टार व्हिप लिया है जिसका नेट क्वांटिटी 1 kg है। एंड यहाँ जो 2 ओपन लिखा है, यहाँ से हम इस क्रीम को ओपन करते हैं। एंड इसका सेल्फ लाइफ 1 ईयर होता है। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और हम यहाँ 1 कटोरी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ मैंने फिलिप्स कंपनी का 300 वॉट्स का हैंड बीटर लिया है। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी अपने बेकिंग के लिए एक अच्छा हैंड बीटर लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। अब हम इन दोनों बीटर रॉड्स को इसमें लगा देंगे और 1 kg स्पीड में हम इसे बीट करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे हम इसके स्पीड को 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर हम फुल में करेंगे इसको। हमें इसे 5 से 7 मिनट तक बीट करना होता है, फिर आप देखेंगे कि जो क्रीम की क्वांटिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है और पूरी थिक एंड क्रीम की फॉर्म में आ गई है। फिर आप अपने हैंड बीटर को ऑफ कर दीजिए। क्रीम बीट होने के बाद इतनी फॉर्मी और लाइट हो जाती है कि आप बाउल उल्टा करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगा, यानी कि आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम ले लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेल्टेड डार्क चॉकलेट डालेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि डार्क कंपाउंड क्या होता है और इसे मेल्ट कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने अपने वीडियो में दे दिया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। अब हम विस्क की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप और मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। ये देखिए हमारा चॉकलेट क्रीम बन करके रेडी है। ये कितने थिक एंड कितने फ्लफी है और खाने में ये काफ़ी टेस्टी होती है। आप इसे चॉकलेट केक में, डेजर्ट में, कप केक में या फिर केक डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक ग्लास ले लिया है। अब हम पाइपिंग बैग में कोई भी एक नोज़ल लगा लेंगे। अब हम जो चॉकलेट क्रीम बनाए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब आप इसे टाइट से रैप कर लीजिए और नोज़ल के हेल्प से आप केक के ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपकमिंग कुकिंग एंड बेकिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।